5.7 संवेग संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। माना कि आपके पास दो गेंद ए और बी है जिनका द्रव्यमान एम ए और एम बी है। यह एक ही सरल रेखा में क्रमशः यू ए और यू बी वेग से गति कर रही हैं तथा उन पर कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है। टी समय पश्चात दोनों गेंदें आपस में टकराती हैं, जहां ए बी गेंद पर एफ ए बी बल तथा बी ए गेंद पर एफ बी ए बल लगाती है। इससे ए और बी के वेग क्रमशः वी ए और वी बी हो जाते हैं। गेंदों द्वारा परस्पर लगाया गया बल गति के तृतीय नियम के अनुसार समान एवं विपरीत दिशा में है, अतः एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। इन बलों के कारण गेंद के वेग में परिवर्तन होता है, जिससे गेंद का संवेग परिवर्तित हो जाता है। अतः गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर, एफ ए बी इक्वल टू एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, एफ बी ए इक्वल टू एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। गति के तृतीय नियम के अनुसार एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी अपॉन टी इक्वल टू माइनस एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी इक्वल टू माइनस एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इक्वल टू माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। टकराने के बाद संवेग बराबर टकराने के पहले संवेग। इस समीकरण से हमने पाया कि जब गेंदों पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो उनका कुल संवेग टकराने के बाद भी समान रहता है। दोनों गेंदों का कुल संवेग नहीं बदलता, जबकि गेंदों का अपना अपना संवेग बदल जाता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो वस्तुओं का कुल संवेग संरक्षित रहता है। क्रियाकलाप 6। एक बड़े आकार का गुब्बारा लें तथा इसमें पूरी तरह से हवा भरकर इसके मुख को धागे से बांध लें। इस गुब्बारे की सतह पर टेप की मदद से एक स्ट्रॉ लगाएं। स्ट्रॉ के बीच से एक लंबा व महीन धागा आर पार निकालें। अब इस धागे के दोनों सिरों को दीवार पर लगाएं। अब गुब्बारे के मुंह में लगे धागे को खोल दें। जैसे ही धागा खोलते हैं, गुब्बारे में भरी हवा बाहर आने लगती है। गुब्बारे व स्ट्रॉ की गति का अवलोकन करिए। आप समझ गए होंगे कि यहाँ गति का तृतीय नियम लागू हो रहा है, पर क्या आप बता सकते हैं कि वे कौन से वस्तुएं हैं जिन पर यह नियम लागू हो रहा है? इस सिद्धांत पर कार्य करने के लिए कुछ उदाहरण ढूंढिए। बच्चों, आपने टीवी में रॉकेट के प्रक्षेपण को देखा होगा। आपने देखा होगा कि रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। आप जानते हैं ये कैसे संभव होता है? इसी बात को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो है एक बलून और एक धागा, जिसे हमने इस सिरे से उस सिरे तक फंसा रखा है, और ये स्ट्रॉ भी इस तरीके से इसमें हमने डालकर रखी हुई है। चलिए क्रियाकलाप की शुरुआत हम इस बलून को फुलाकर करते हैं। थोड़ा और फुला लेते हैं। ठीक है, इतना चलते हैं। अब इससे हम इसके मुख पर इस तरीके से धागे को फंसाकर इसके हवा के निकलने की संभावना को खत्म कर देते हैं।
अच्छी तरीके से धागे को बांध दीजिए। और इस बलून को अब हम जो स्ट्रॉ हमने धागे में फंसा रखी है उसमें लगाते हैं। इसके लिए हम सेलो टेप की मदद ले सकते हैं। इस सेलो टेप की सहायता से इस तरीके से इसे फंसा दीजिए। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है, अब धीरे धीरे हम इस धागे को खोल देते हैं और फिर आपको देखना है कि हमें क्या दिखता है। ये तो देखा आपने, ये बलून कितनी तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ा। जैसे ही बलून की हवा विपरीत दिशा में निकलनी शुरू हुई उतनी ही स्पीड से बलून जो है वो आगे की तरफ चला गया। यही संवेग संरक्षण का नियम है। जिस संवेग में परिवर्तन के साथ हवा जो थी वो बलून से पीछे की ओर निकल रही थी उसी स्पीड से बलून जो है हमारा आगे की तरफ चला गया। बिल्कुल यही नियम रॉकेट के प्रक्षेपण पर कार्य करता है। यहाँ पर गति का तीसरा नियम भी लग रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि किन किन वस्तुओं पर गति का तीसरा नियम कार्य कर रहा था?